उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार अभियान तेजी से जारी है। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। इसके साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दूसरी पार्टियों से भी वाराणसी से अपने उम्मीदवार वापस लेने की अपील की है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा, आज अखिल भारत हिंदू महासभा के वाराणसी से उतारे गए प्रत्याशी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में वापस लेने का निर्णय किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने आगे कहा, मैं दूसरी पार्टियों से भी और इंडिया गठबंधन से भी अपील करता हूं कि उनको प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में अपने उम्मीदवार हटा लेने चाहिए, क्योंकि जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साउथ से चुनाव लड़े थे तो उस वक्त उनके सम्मान में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी वापस लिए थे और वो उस वक्त निर्विरोध चुने गए थे। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ये भी कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई पार्टियों का वैचारिक मतभेद हो सकता है। हमें खुद राम मंदिर के लिए निमंत्रण नहीं मिला, मैं मुख्य पक्षकार था। हमें ट्रस्ट में जगह देना तो दूर, अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए निमंत्रण तक नहीं मिला। मुझे भी सरकार से कहीं ना कहीं थोड़ा दुख है, लेकिन फिर भी ये सब चीजें छोटी हो जाती हैं जब व्यापक रूप से हम सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में देश का डंका बजाया है, देश के गौरव और मान सम्मान को बढ़ाया है। इसीलिए हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि सभी पार्टियों के लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, वो दूसरी जगह से अपने प्रत्याशी खड़ा करें। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में काशी की धरती से अपने सभी प्रत्याशी को हटा लेना चाहिए। ये देश के जनमानस का सम्मान होगा, लोकतंत्र का सम्मान होगा।